प्रयाग से आ रही है, जहां गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि केदारनाथ से गौरीकुंड का पैदल मार्ग अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हो गया था। इसके अलावा सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 150 मीटर हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद लगभग 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 12,500 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है। आगे उन्होंने कहा कि पहले चरण में रेस्क्यू सफल रहा, इसके बाद द्वितीय चरण में प्रशासन की योजना जनजीवन को सामान्य स्थिति में लाने के साथ ही श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को फिर से संचालित करने की है। बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा हेली सेवा के माध्यम से यात्रा संचालन की अनुमति दी गई है। साथ ही हेली के माध्यम से केदारनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किराए में 25% की छूट दी गई है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हेवी रेन हुई थी, उसके कारण पूरे केदारनाथ और गौरीकुंड का जो ट्रैक रूट था वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, और साथ ही साथ सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच जो NH का लगभग 150 मीटर का हिस्सा भी बुरी तरह से डैमेज हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 5-6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 12,500 के लगभग लोगों को हम लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर दिया है और सभी अपने सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से लगातार मार्गदर्शन किया जाता रहा, और NDRF हो, चाहे सेना हो, SDRF, लोकल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोगों ने रात दिन मेहनत करके इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। हमारा अब जो दूसरा फेज़ है वो है रेस्टोरेशन वर्क, क्योंकि अभी हमारी पैदल यात्रा और पूरी केदारनाथ यात्रा स्थगित थी, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः आए थे और विचार विमर्श के उपरांत उन्होंने एक अच्छी खबर ये है कि कल से हमारी केदारनाथ की यात्रा पुनः प्रारंभ हो रही है और हेली सेवाएं हमारी कल से शुरू हो जाएंगी। पैदल मार्ग के रेस्टोरेशन में अभी कुछ वक्त लग सकता है, सभी स्पॉट्स चिन्हित हैं और सभी जगह पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम जब तक हमारा साथ नहीं देगा तब तक हम उस काम को उस स्पीड से नहीं कर पाएंगे जितनी की हमें करने की अपेक्षा की जा रही है। और जो ये आपदा आई है जिसमें रेक्सो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और प्रशासन के द्वारा जो किया गया है, इसके लिए हम पहले इनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल कम समय में इन्होंने जितने भी लोग केदारनाथ में फंसे हुए थे, रास्ते में फंसे हुए थे, और जाल चौमासे से इन्होंने लोगों को नीचे लाए, और यहाँ पर जो संस्थाएँ हैं यहाँ पर जैसे ग्राम पंचायत, केदार सभा और जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने उनकी रहने की, खाने की सारी व्यवस्था की, इसके लिए भी ये स्थानीय लोग यहाँ के धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने तत्काल केंद्र से बिल्कुल हमारी जो हेली सेवा के लिए जो बड़ा चिनो और जो बड़ा हेलीकॉप्टर केदारनाथ में आया, उसमें जो है 15-15, 20-20 लोग हम जो है कोई वहाँ पर गए गोचर में गए, और कोई जो है चार धाम में उतरे, और चार धाम में वहाँ पर जो है पंच पंडा समिति द्वारा जो है उन यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क की गई, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं जब ये आपदा आई तो यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय है वो घर जैसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों से, एकदम बारीकी से, और मैंने उनको देखा, वो न कोई चेयर में बैठे हुए थे न कहीं पर, जैसे हम लोग यहाँ पर उतरे उन्होंने हम लोगों को इतने अच्छे ढंग से पूछा वहाँ पर कैसे हैं यात्री, हमने यही कहा केदारनाथ सब ठीक है, और ऐसे जिला अधिकारी महोदय को तो पुरस्कृत करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनको थोड़ा पुरस्कृत किया जाए, और जो प्रशासन है यहाँ पर NDRF, पुलिस विभाग और आर्मी के लोग, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।